Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. KC Soni, Associate Professor in Zoology, Gorwit Lohia Postgraduate College Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, B. In today's lecture series of entomology, I am going to deliver my talk on an important topic uh, that is diapause. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों आज एंटोमोलॉजी की इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में डायापोज में मैं आपसे चर्चा करूंगा डायापोच क्या है इंसेक्ट में जब भी डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट के दौरान कई स्टेजेस देखने को मिलती है जिसमें सबसे पहले एगलिंग होती है और उसके अंदर अंडे दिए जाते हैं इन अंडों में जब हैचिंग होती है उनसे लारोल स्टेजेस निकलती है लार्वा फिर प्यूपा में कन्वर्ट होती है और प्यूपा फिर अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन कई बार एन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण कई बार इनहेरेंट नेचर के कारण कई बार जेनेटिक फंक्शनिंग के कारण इस डेवलपमेंट की कोई भी स्ट्राच एक थोड़े समय के लिए पॉज हो जाती है उसका परिवर्धन थोड़े समय के लिए रुक जाता है और डेवलपमेंट का ये अरेस्ट होना ये डायापोज के नाम से जाना जाता है तो इसी टॉपिक में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से हर वर्ष एग्जाम में डायपोज़ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें डायपोज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक डायपोच क्वेश्चन है कि डायपोच क्या है डायपोज इज ए जेनेटिकली डिटरमाइंड स्टेट ऑफ सप्रेस्ड डेवलपमेंट विच इज इंड्यूस्ड बाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स अर्थात डायपोज एक प्रकार से आनुवंशिक रूप से निर्धारित एक ऐसी प्रावस्था है जिसमें डेवलपमेंट की प्रक्रिया सप्रेस हो जाती है या रुक जाती है और ये डेवलपमेंट एनवायरमेंटल कारकों के द्वारा प्रेरित होता है सो so, डायपोज ए जेनेटिकली डिटर्माइंड स्टेट ऑफ सप्रेस्ट डेवलपमेंट विच इज इंड्यूस्ड बाई एनवास इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है इट इज ए फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच इंसेक्ट कैन सर्वाइव इन द पीरियड ऑफ एडवर्स कंडीशन अनस्यूटेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात डायपोज इंसेक्ट की ऐसी फिजियोलॉजिकल अवस्था है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में जो परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं होती है ग्रोथ के लिए अनुकूल होती है इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जब किसी भी इंसेक्ट का डेवलपमेंट थोड़े समय के लिए अरेस्ट हो जाए या इन विपरीत परिस्थितियों में इंसेक्ट सर्वाइव करे तो सर्वाइवल की यह परिघटना डायपोज के नाम से जानी जाती है सो डायपोज इज ए फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच इंसेक्ट कैन सर्वाइव पीरियड ऑफ एडवर्स इसके एक और प्रसाइज है डायपोज इज ए डिले इन डेवलपमेंट इवॉल्व इन रेस्पॉन्स टू रेगुलरली रेकरिंग पीरियड ऑफ एडवर्समेंटल कंडीशन अर्थात नियमित रूप से होने वाले पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जब डेवलपमेंट की प्रक्रिया विलंबित हो जाए या डिले हो जाए तो ये परिघटना डायपोज के नाम से जानी जाती है और एक प्रकार से नेचर ने इसका नेचुरल सिलेक्शन किया है एक तरह से इवोल्यूशन है डायपोज है एक तरह से इवोल्यूशनरी फिनोमन भी है नेचुरल सिलेक्शन की एक परिघटना है सो डायपोज इज ए डिले इन डेवलपमेंट इवॉल्व इन रेस्पॉन्स टू रेगुलरली रेकरिंग पीरियड ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे इन टेम्परेट जोन इट इज़ मेड फॉर सर्वाइवल इन विंटर अब टेम्परेट जोन होते हैं ये ठंडे इलाके होते हैं यहाँ पर सर्दियों में तापमान माइनस चालीस डिग्री तक भी आ जाता है लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी इंसेक्ट सर्वाइव करते हैं और उनकी डेवलपिंग स्टेज है वो अरेस्ट हो जाती है मेटाबोलिज्म धीमा हो जाता है शरीर की फिजियोलॉजी है वो मंद हो जाती है और नॉर्मल परिस्थिति आने पर ये इंसेक्ट वापिस अपनी नॉर्मल एक्टिविटी प्रारंभ कर देते हैं सो इन टेपरेट जोन इट इज मेंट फॉर सर्वाइवल इन विंटर इसी तरह इन ट्रॉपिकल जोन इट इज मेंट फॉर सर्वाइवल इन समर क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज होते हैं वहां पर तापमान ज्यादा होता है और कई बार तो ये तापमान 50 डिग्री 55 डिग्री तक पहुंच जाता है लेकिन इस अत्यधिक तापमान में भी इंसेक्ट है वो जिंदा करते हैं इंसेक्ट अपनी संतति को बनाए रखने के लिए अपनी संतति के सर्वाइवल के लिए उसमें डाइफोज का फिनोमिन है ये पाया जाता है तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं डायपोज के बारे में तो डायपोज एक जेनेटिक प्रोग्राम है डायपोज एक फिजियोलॉजिकल फिनमनलन है डायपोज एक नेचुरल फिनोमिन है डायपोज एक एवोल्यूशनरी परिघटना है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका डेवलपमेंट है वो सप्रेस हो जाता है डेवलपमेंट एक तरह से विलंबित हो जाता है डिले हो जाता है और नॉर्मल कंडीशंस आने पर यह डेवलपमेंटर प्रक्रिया वापस प्रारंभ हो जाती है तो ये कुछ इसकी इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन है व्हाट इज डायपोज अब इसका सेकंड कंसेप्ट है कि डायपोज किस स्टेज में संपन्न हो सकता है अभी जैसे मैंने बताया कि जिन इंसेक्ट में कंप्लीट मैटामोरफोसिस होता है होलोमेटामोलिस टाइप का मैटामोरफोसिस होता है उसके परिवर्धन में चार प्रावस्थाएं देखने को मिलती है जिसमें सबसे पहली स्टेज है एग अंडों से हैचिंग के द्वारा लार्वा की फॉर्मेशन होगी लार्वा फिर ये प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं और प्यूपा अंत में अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इंसेक्ट के किंगडम ये देखा गया कि कुछ इंसेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें अंडों में ही डायपोज की परिघटना पाई जाती है कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिसकी लार्वल स्टेज में डायपोज की परिघटना पाई जाती है कुछ स्टेज ऐसी है जिनकी प्यूपा परावस्था में डायपोज की परिघटना पाई जाती है और कुछ अडल्ट इंसेक्ट में डायपोज की परिघटना पाई जाती है तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जैसे एग डायपोज की जो फिनन है ये सिल्क मौत और ग्रास ओपर्स में पाई जाती है क्योंकि सिल्क मौत को यदि कम तापमान के ऊपर रियर किया जाए या अधिक तापमान के ऊपर रियर किया जाए तो दोनों ही कंडीशंस में इसमें अलग अलग तरह के अंडे दिए जाएंगे इसमें कुछ अंडे तो ऐसे होते हैं जिसमें डेवलपमेंट एक तरह से अरेस्ट हो जाता है डेवलपमेंट सप्रेस हो जाता है और इस तरह के जो अंडे होते हैं वो डायपोज के नाम से जाने जाते हैं और कुछ अंडे ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल हैचिंग होती है नॉर्मल डेवलपमेंट होता है तो सिल्क मॉथ और ग्रास ओपर्स में दो प्रकार के अंडे दिए जाते हैं एक डायपोज एक् और नॉन डायापोज एक्ट तो इनके अंडों में डायपोज की परिघटना पाई जाती है इसी तरह यू और पैक्टिनोफोरा इनकी लार्वल स्टेज के अंदर डायपोज की परिघटना पाई जाती है इसी तरह प्यूपल स्टेज में डायपोज की फिनोमन ये रेड हैरी कैटर पिलर में पाई जाती है अडल्ट में डायपोज की परिघटना मैंगोनट विवल्स में पाई जाती है इन सभी के मैंने यहाँ डायग्राम यहाँ पर शेयर किए हैं यह सिल्क मोथ का डायग्राम है ये पैक्टिनोफोर का डायग्राम है, है ये रेड हैरी कैटर का फिगर है और यह मैंगट व्यूवल का फिगर है तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग इंसेक्ट में ये परिघटना जाते विशिष्ट होती है कुछ में अंडों में डायपोज पाया जाता है कुछ के लार्वल स्टेज में डायपोज पाया जाता है कुछ की प्यूपा प्रावस्था में डायपोज पाया जाता है और कुछ के अडल्ट में डायपोज की परिघटना पाई जाती है हा, अब क्वेश्चन है कि डायपोज में मुख्य फीसर्स क्या है डायपोज के दौरान इंसेक्ट की बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आती है क्या क्या उसके अंदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है तो इसमें डायपोज के जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसमें एक तो लो रेट ऑफ मेटाबोलिज्म यानी शरीर की जो उपापचय जो होता है शरीर की उपापचय क्रियाएं होती है वो एकदम मंद हो जाती है स्लो गति से संपादित होती है लो ऑक्सीजन कंजप्शन अब मेटाबोलिज्म जब स्लो होगा तो शरीर में ऑक्सीजन के उपभोग की दर भी कम हो जाती है सो लेस मेटाबोलिज्म लेस ऑक्सीजन कंजप्शन इसके अलावा लो बॉडी वेट अब शरीर में जब मेटाबॉलिज्म कम होगा शरीर में ऑक्सीजन का कंजप्शन जब कम होगा तो शरीर में जो रिजर्व फूड होता है वो भी धीरे धीरे काम में आने लग जाता है और इंसेक्ट का बॉडी का वेट है वो कम हो जाता है लो बॉडी वाटर कंटेंट इंसेक्ट की बॉडी में सेल्स में जो प्रोटोबलिज्म की मात्रा है पानी की मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है एंड लो विटामिन कंटेंट इन द ब्लड और ब्लड में विटामिन की जो मात्रा है उसमें अप्रत्याशित रूप से आ, कमी आ जाती है तो ये डायपोज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, लो ऑक्सीजन कंजप्शन लो बॉडी वेट लो बॉडी वाटर कंटेंट एंड लो विटामिन कंटेंट इन द ब्लड इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जिसमें मेजर फीचर्स में अरेस्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट परिवर्धन है वो अरेस्ट हो जाता है ग्रोथ है वो अरेस्ट हो जाती है इट इज़ ए टेम्परेरी फिनोनल इट इज़ कंट्रोल्ड बाई एंडोकैंग्स इट इज़ इनडायरेक्टली गवर्न बाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स इट इज़ ए जेनेटिकल प्रोग्राम एंड इट कैन बी पार्शियल ओनली वन सिस्टम और शट डाउन कई बार ये देखा गया कि अब इंसेक्ट बॉडी में सिस्टम सभी तरह के हैं इंसेक्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम भी है सर्कुलेटरी सिस्टम भी है रेस्परेटरी सिस्टम भी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है अलग कई बार ये देखा गया कि बॉडी के और सिस्टम तो नॉर्मली काम करते हैं लेकिन विशेष रूप से प्रजनन तंत्र जो होता है ये अरेस्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक तरह से इनएक्टिव हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन आने के बाद में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वापस नॉर्मल हो जाता है इसके अंदर गमिट का प्रोडक्शन है वो प्रारंभ हो जाता है तो ये कुछ मेजर फीचर्स हैं डायपोस के इसके अलावा अन्य कैरेक्टर्स में जुवेनाइल हार्मोन यूजली इन्वॉल्व एंड एक्डाइसोन यूजुअली सप्रेस्ड जो जुवेनाइल हार्मोन है ये तो ग्रोथ चाहता है एक्डाइसोन हार्मोन है ये निमोचन के लिए उत्तरदायी होता है तो डायपोज में ये देखा गया है कि एक्डाइसोन हार्मोन जो होता है ये सप्रेस हो जाता है मे बी ऑब्लीगेटरी और इट मे बी फैकल्टीटिव तो डायपोज की परिघटना ओब्लीगेटरी भी हो सकती है जिसको यूनिवल्टाइन के नाम से भी जाना जाता है या फैकल्टेटिव हो सकती है जिसको मल्टीवल्टाइन के नाम से भी जाना जाता है अकर्स इन वरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस परिवर्तन की किसी भी अवस्था में डायपोज की परिघटना संपादित हो सकती है जो कि जातियों के ऊपर डिपेंड करती है स्पीसीज स्पेसिफिक होती है इसके अलावा एनवायरमेंट के अन्य कारक जैसे टेम्परेचर है नमी है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, है फूड सप्लाई है ये कारक भी इस परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी और है जैसे क्यूसेंस या टोर पर की जो है, इट डायरेक्ट रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल कंडीशन इसका एनवायरमेंट के साथ प्रत्यक्ष संबंध है इसी तरह हाइबरनेशन, नेशन प्रोलॉन्ग्ड विंटर क्यूसेंस कई बार मान लीजिए सर्दियों में तापमान माइनस थर्टी डिग्री माइनस फोर्टी डिग्री आ गया इस कंडीशंस में इंसेक्ट में शीत निष्क्रियता की परिघटना भी देखी जाती है लेकिन हाइबरनेशन का जो फिनोमन है ये डायपोज से टोटली डिफरेंट है क्यों डायपोज है वो इतने लंबे वाली नहीं होती है इसी तरह एस्टाइवेशन प्रोलॉन्ग्ड समर क्वेश्चन तो कई बार गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है तो इस तेज गर्मी से बचने के लिए प्राणियों में एस्टाइवेशन की परिघटना पाई जाती है अब जैसे सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा मेडक जो होते हैं वो जमीन के नीचे चले जाते हैं इनमें शीत निष्क्रियता की परिघटना संपादित होती है इसी तरह तेज गर्मी जब पड़ती है तो एनिमल्स जो होते हैं वो जमीन में बिल बना के है घोरी बना के उसके अंदर चले जाते हैं गाय भैंसों को भी आपने देखा होगा जब तेज गर्मी पड़ती है तो वो किसी पेड़ के नीचे जैसे खड़ी हो जाती है पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाती है तेज गर्मी से बचने के लिए तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स और मैंने आपसे शेयर किए हैं अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे मैकेनिज्म ऑफ डायपोज़। बेसिकली डायपोज की परिघटना को पांच प्रावस्थाओं के अंदर बांटा गया है इट डिवाइडेड इनटू फाइव स्टेजेस पहली जो स्टेज है दैट इज प्रिपेरेटरी फेज सेकेंड इज इंडक्शन फेज थर्ड इज refractory phase fourth is activated phase fifth is termination phase तो डायपोज की संपूर्ण साइकिल संपूर्ण परिघटना पांच प्रावस्थाओं में संपन्न होती है प्रिपेरेटरी फेज इंडक्शन फेज रिफ्रैक्टिव फेज एक्टिवेटेड फेज और टर्मिनेशन फेज फर्स्ट इज प्रिपेरेटरी फेज इसको एक तरह से निर्माणकारी प्रावस्था भी बोल सकते हैं डायपोज की ये सबसे पहली और इनिशियल स्टेज है और इस स्टेज के दौरान इन दिस फेज एकोमोलेशन ऑफ रिजर्व फूड लाइक प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स तो डिपेरटी फेज के अंदर इंसेक्ट में प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट हो जाता है लिपिड की कुछ मात्रा डिपॉजिट हो जाती है जो एक तरह से रिजर्व फूड के रूप में काम में आती है क्योंकि जब डायपोज की परिकटना संपादित होगी उसमें बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है ऑक्सीजन कंजप्शन स्लो हो जाता है और एनिमल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यह संचित भोजन के रूप में रिजर्व फूड के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट इनका डिपोजिशन हो जाता है सेकेंड फेज इज इंडक्शन फेज इंडक्शन फेज में क्या होगा इन दिस फेज देयर इज

सुपर कोलिंग रिएक्शन तो इस टा के अंदर एक्टिवेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है और सुपर कोलिंग रिएक्शन है वो यहां पर संपादित होती है और ये एक बीच की प्रावस्था है इसको पीरियड के नाम से भी जाना जाता है फोर्थ स्टेज इज एक्टिवेटेड फेज इस प्रावस्था में क्या होगा इन दिस फेज फॉर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एज बिफोर और इस प्रावस्था में इंसेक्ट में एक तरह से फिजियोलॉजिकल पोटेंसी जो होती है वो विकसित हो जाती है और क्योंकि अब इंसेक्ट वापस नॉर्मल स्टेज में आएगा और नॉर्मल स्टेज में जब आएगा तो उसकी वापस मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेप्लिकेशन की गतिविधियां ट्रांसक्रिप्शन की गतिविधियां ट्रांसलेशन की गतिविधियां सारी सामान्य रूप से वापस प्रारंभ होगी और लास्ट स्टेज इसमें होती है टर्मिनेशन फेज बायो केमिकल री एडजस्टमेंट होता है डीएनए का रेप्लीकेशन होता है ट्रांसक्यूशन की परिघटना होती है ट्रांसलेशन की परिघटना होती है और इस तरह ये डायपोज की परिघटना पांच पदों में फाइव फेजेस के अंदर ये सब बाधित होती है और टर्मिनेशन फेज के बाद में इंसेक्ट वापिस नॉर्मल हो जाता है और वापिस अपनी वही दैनिक जो गतिविधियां हैं रोजमर्रा की जो गतिविधियाँ हैं उनको ये प्रारंभ कर देता है हाँ अब इसमें है कि डायपोज कितने प्रकार का होता है टाइप्स ऑफ डाइपोज सो so बेसिकली डापोज को दो प्रकारों में बांटा गया है एक तो ऑब्लिगेटरी डाइपोज और एक होता है फैकल्टेटिव डायपोज इसमें एक परिघटना है वो जेनेटिकल होती है इनहेरेंट होती है इस स्पेसिफिक होती है और एक परिघटना है जो एनवायरमेंटल के कारकों के द्वारा कंट्रोल होती है पर्यावरणीय कारकों के द्वारा ये प्रभावित होती है सो फर्स्ट इज ऑब्लिगेटी डायपोज इट इज रिलेटेड विथ सस्पेंडेड एक्टिविटी ऑफ द इंसेक्ट विच इज हेरिडिट्री एंड कंट्रोल्ड बाई चिन इस तरह के डायपोस में जो सस्पेंडेड गतिविधियां होती है ये वर्षागत प्रकार की होती है और जीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है जैसे सिल्क मौत का आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था कि सिल्क मौत में जो अंडे होते हैं उन अंडों में डायपोज की परिकटना पाई जाती है और ये फिनोमन पूर्णतया आनुवंशिक फिनमन पर आधारित है इसका पूर्णतया जेनेटिक कंट्रोल होता है सेकेंड इज फैकल्टेटिव डायपोज इट is रिलेटेड विथ सस्पेंडेड एक्टिविटी ऑफ द इंसेक्ट विच is रिलेटेड विथ unfavorable कंडीशन ऑफ environment अब ये जो परिघटना है ये पर्यावरण के प्रतिकूल कारकों के कारण संपादित होती है जब भी एनवायरमेंट में एडवर्स कंडीशंस होगी चाहे वो लो टेम्परेचर के रूप में हो, चाहे हाई टेम्परेचर के रूप में हों चाहे रेनफॉल के रूप में हों चाहे ह्यूमिडिटी के रूप में हों चाहे सन लाइट के रूप में हों ये डेफिनेटली इंसेक्ट के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं और इनका डेवलपमेंट है वो किसी भी स्टेज में अरेस्ट हो सकता है सप्रेस हो सकता है आफ्टर ऑनसेट ऑफ फेवरेबल एक्टिविटी इंसेक्ट रिगेन इट्स ओरिजिनल वर्क और अनुकूल परिस्थिति आने पर इंसेक्ट में ये वापस नॉर्मल गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है और इस तरह का जो डाइपोच है ये कॉटन पिंक बॉलवर्म में पाया जाता है इसलिए डापोच की फिनल दो तरह की हो गई है एक तो जो कि एक तरह से जेनेटिक प्रोग्राम है और टाइप जो कि के द्वारा कंट्रोल होती है। इसके बाद में को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो बेसिकली डाइपोज को प्रभावित करने वाले कारकों को चार ग्रुप के अंदर जैसे डिवाइड किया जा सकता है एक तो एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारक सेकेंड इज बायोटिक फैक्टर्स या जैविक कारक थर्ड इज एंडोकाइन फैक्टर्स एंड फोर्थ इज जीन्स तो चार मुख्य ये ग्रुप हैं जो डायपोज की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं इन सभी पे मैं शॉर्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा फर्स्ट फैक्टर इज एबायोटिक अजैविक कारक अजैविक कारक में मुख्य रूप से ह्यूमिडिटी है टेम्परेचर है रेनफॉल है अब ह्यूमिडिटी में आपने देखा होगा कि जब एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो एनवायरमेंट ठंडा होता है तापमान कम होता है जब एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी कम होती है उसमें एनवायरमेंट ड्राई होता है और एनवायरमेंट का तापमान ज्यादा होता है इसी तरह टेम्परेचर फैक्टर जब तापमान कम होगा तो डेफिनेटली एनवायरमेंट के अंदर नमी ज्यादा है और तापमान जब ज्यादा होगा इट से एनवायरमेंट में नमी है नमी बहुत कम है एनवायरमेंट एक तरह से सूखा है एक तरह से ड्राई प्रकार का है इसी तरह रेनफॉल वर्षा ऋतु में एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तापमान नॉर्मल होता है लेकिन जब वर्षा ऋतु तो नहीं होती है उसमें एनवायरमेंट में नमी बहुत कम होती है एनवायरमेंट का तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो डायपोज के लिए उतरदायी होता है और इसमें विशेषकर टेम्परेचर का जो कारक है ये सर्वाधिक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर के रूप में जाना जाता है सेकंड इज बायोटिक फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी और नेचुरल एनिमी, ये दो मुख्य ऐसे कारक हैं जो डायपोज के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होगा जैसे मान लो दस लाख अंडे हैं मान लो एक साथ और सभी दस लाख अंडों में एक साथ हैचिंग होती है एक साथ उसमें इतने लार्वा निकलेंगे इतने प्यूपा बनेंगे इतने एडल्ट बनेंगे अब जब करोड़ों की संख्या में जब इंसेक्ट एक साथ बनते हैं तो उनके अंदर स्ट्रगल होता है हैबिटेट के लिए स्ट्रगल होता है भोजन के लिए स्ट्रगल होता है रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रगल होता है और इस तरह का जब स्ट्रगल होता है तो उस केस में 80 से 90 परसेंट इंसेक्ट जो है उनकी डेथ हो जाती है या वो मौत के शिकार हो जाते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी के द्वारा भी डायपोज की परिघटना होती है ये मुख्य कारक है मुख्य जैविक कारक है इसी तरह नेचुरल एनिमी क्योंकि इंसेक्ट जो है इनको कई ऐसे पक्षी हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं एज ए भोजन के रूप में जैसे ब्लैक ड्रॉगो है इंडियन रोलर है इसके अलावा स्ट्राइक्स है तो ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट को भोजन के रूप में काम में लेते हैं यानी ये एंटोमोफेगस ये बर्ड्स हैं तो प्राकृतिक जो एनिमी है वो भी इनके पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इसके डाइपोज की परिघटना के लिए उत्तरदायी होते हैं तीसरा जो फैक्टर इसमें एंडोकाइन हारमोन्स एंडोकाइन ग्लैंड हैं ये डायपोज के अंदर इन्वॉल्व रहती है और इसमें बेसिक कंसेप्ट है कि न्यूरोक्ट सेल्स इन प्रोटोसेरिब्रम ये ब्रेन हार्मोन का सिक्रेशन करती है कॉर्पोरा कार्डिय का जो होती है ये ब्रेन हार्मोन को स्टोर भी करती है और आवश्यकता पड़ने पर ब्रेन हार्मोन को रिलीज भी करती है प्रोथोरेसिक्लैंड जो होती है ये एग्डाइसोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है और सब इसल गियन इट प्रोड्यूस एंड रिलीजेज एगडाइपोज हार्मोन तब सब इसोफेजियल गैंगलियन है इससे एग डायपोज हार्मोन का सिक्रीशन होता है एंड डायपोज हार्मोन एक्ट टू स्टीम ट्रिहेलेज एक्टिविटी इन डेवलपिंग ऑवरी टू ब्रिंग अबाउट हाइपर ग्लाइकोजेनिज्म इन मैचोर एग विच इज ए प्री फॉर डायपोज इनिशिएशन तो कई बार डायपोज हार्मोन के कारण एंजाइम जो है इसकी गतिविधि प्रेरित होती है और ट्रेल एज के कारण ओवेरी में हाइपरग्लाइकोजेनिज्म की सिचुएशन डेवलप होती है और ऐसी स्थिति होने पर इसमें जो अंडे दिए जाएंगे वो डाइपोज टाइप के अंडे हैं वो डेवलप होते हैं एंड लास्ट फैक्टर इसमें दैट इज जेनेटिक अभी मैंने बताया कि ये एक तरह से इनहेरेंट प्रोग्राम है एक तरह से ये स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोग्राम है यहाँ पर जैसे एक ये सिल्क मोथ का जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए हैं हमारे कुल सिल्क मौत ऐसे हैं जिनको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रियर किया जा रहा है कुछ सिल्क मौत ऐसे हैं जिनको 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रियर किया जा रहा है अब जब तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा उसमें बी एम टी आर पी ए फर्स्ट जीन एक्टिव होता है फर्स्ट जीन इज एक्टिवेटेड अब ये जीन्स जब एक्टिव होता है तो इस जीन्स के कारण ये पर्टिकुलर केमिकल पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो उत्पन्न होते हैं और इन प्रोडक्ट के कारण बी एम जीन की अभिव्यक्ति है प्रारंभ होती है अब इस जीन के एक्सप्रेशन के कारण गाबा एनर्जिक पाथवे है वो स्टिमुलेट होता है गावा एनर्जिक पाथवे जब स्टीबलेट होता है उसमें सीआर जेड पाथवे ये स्टिमुलेट होता है और सी आर जे पाथवे जब स्टिमुलेट होता है उसमें ये डायपोज हार्मोन है ये रिलीज होगा डायपोज हार्मोन डायपोज हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर के साथ ये बंधित होगा और यहाँ पर आप देखोगे कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब इनको रियर किया जा रहा है कल्चर किया जा रहा है उसके इसमें डायापोजों का प्रोडक्शन्स होता है और जब इनको पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रियर किया जाता है उसमें नॉन डाइपोज अंडे होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है अब ये सिल्क मोथम ये नेचुरल फिनल है तो जब भी तापमान पच्चीस डिग्री या इससे थोड़ा ज़्यादा होगा उसमें डायापोज अंडे है वो डेवलप होंगे और तापमान जब कम होता है उसमें नॉन डाइपोज अंडे है वो डेवलप होते हैं तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डायापोज के लिए उत्तरदायी होते हैं एक स्लाइड इसमें और है इट इज रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। यानी इसका नियंत्रण कई स्तर पर हो सकता है एग लेवल पे हो सकता है स्टेज में हो सकता है एनवायरमेंटल स्टीमलाइ इंट्रैक्ट विथ प्री डिफाइंड जेनेटिकल पाथवे टू इफेक्ट न्यूरल सिग्नल्स एंड्रोक पाथवेज एंड मेटामोलिक एंड एंजाइमेटिक चेंजेस एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स ऑफ जनरली डिस्प्ले ए करेक्टरिस्टिक सीजनल पैटर्न डिपेंडिंग अपॉन द सीजन इंसेक्ट तो थर्मोपीरियोज पर्यावरण के अनुरूप की जो आवर्ती होती है, है उससे भी यह परिघटना प्रभावित होती है और थर्मोपीरियोडिज्म यानी दिन में जो तापमान में जो दैनिक उधार चढ़ाव है उसके द्वारा भी यह परिघटना संपादित होती है द न्यूरोन सिस्टम ऑफ इंसेक्ट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ न्यूरोक्टिव सेल्स इन द्रेन के ब्रेन में ये न्यूरोक्टिव सेल्स पाई जाती है देर आर सेवरल की हारमोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ डाइपोज और डायपोज के लिए उतर जाए जो हारमोन है जो डायपोज में पार्टिसिपेट करने वाले हारमोन है उसमें मुख्य रूप से जोवेन uh, हारमोन डायपोज हारमोन और Prothoracic और topic है। stimulates the prothoracic gland. PTH हार्मोन है, ये prothoracic gland को प्रेरित करता है। And it produces ecdysteroid. Prothoracic gland से ecdysteroid का श्राव होता है, जो कि development के लिए आवश्यक होती है। Larval and pupal diapause are often regulated by an interruption of this connection. तो larval और pupal diapause की जो फर्कटना है, ये इस हारमोनल इबैलेंस के कारण हार्मोन के कंट्रोल की जो पाथवे है वो कहीं पर ब्लॉक हो जाता है उसके कारण डायफोज की परिघटना भी प्रभावित होती है एंड द कॉर्पोरा इलाटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ज्यूवेनाइल हार्मोन और शरीर की जो कॉर्पोरा इलाटा जो कृति है ये ज्यूवेनाइल हार्मोन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है अब यहाँ पर दो कंपेटिव टेबल में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है अब इसमें डायापोज लार्वी और नॉन डायापोस्ट लार्वी में मुख्य अंतर क्या क्या हो सकते हैं तो डायपोज लार्वी है इसके अंदर लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन नॉन डायापोस लार्वी में लिपिड की मात्रा कम होती है डायपोज लार्वा में पानी की मात्रा कम होती है जबकि नॉन डायपोज लार्वा में पानी की मात्रा ज्यादा होती है डायपोज लार्वी में ट्रीहेलोज शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर और नॉन डाइपोज लार्वा में ट्रीहेलोज की मात्रा कम होती है डायपोज लार्वा में ऑक्सीजन का कंजप्शन कम होता है लेकिन नॉन डायपोज लार्वा में ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होता है डायपोज लार्वा में प्रोटीन और एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन नॉन डाइपोज लार्वा में प्रोटीन और एसिड्स की मात्रा कम होती है डायपोज लार्वा में फ्री फैटी एसिड्स बहुत कम होते हैं जबकि नॉन डायपोज लार्वा में फ्री फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है डायपोज लार्वा में बैसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है जिसको सामान्य उपापच दर बोलते हैं ये बहुत कम होती है लेकिन नॉन डायपोज एंडो के अंदर बैसल मेटाबॉलिक रेट की दर ज़्यादा होती है तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है डपोज लार्वा और नॉन डायापोज लार्वा के अंदर अब इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपेरिजन की टेबल है इट इज ए टेम्पर फिनोमन विच इज इिविटेड बाई अनबल एनवायरमेंट कंडीशन डायपोज इज नॉट एन इमीडिएट रेस्पॉन्स डायपोज है ये ताक्षणिक परिघटना नहीं है लेकिन स इज एन इमीडिएट रेस्पॉन्स और क्यूंस के अंदर हाथों हाथ पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसमें हाथों हाथ उसके अगेंस्ट अडेप्टन के रूप में लक्षण है वो हाथों हाथ प्रकट होते हैं फॉर्म ऑफ डॉर्मेसी डायपोज है एक तरह से ये लॉन्ग एडेप्टिव अनुकूलन की एक परिघटना है जबकि क्वेश्चंस है ये थोड़े समय वाली होती है इट इज शॉर्ट एंड लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस तो क्यूसंस की परिघटना कम अंतराल वाली भी हो सकती है और ज्यादा अंतराल वाली भी हो सकती है डायपोज इज स्टेज यानी इसके अंदर परिवर्तन में स्टेजेज है जैसे एग है लार्वा है प्यूपा है अडल्ट है तो किस स्टेज में डायपोज होगा ये ऑलरेडी डिटरमाइंट होती है लेकिन क्यूसेंस के केस में स्टेज इज नॉट डिटरमाइंड इसमें जो परिवर्तन की प्रवस्था है वो निर्धारित नहीं होती है डाइपोज इज इिवर्सिबल डॉर्मेंसी लेकिन क्यूसेंस इट इज रिवर्सिबल डॉर्मेंसी और डायपोज की जो फिनल है ये हिट्रोडाइनेमिक इंसेक्स में पाई जाती है जबकि क्यूसेंस की परिघटना होमोडाइनेमिक इंसेक्स में पाई जाती है इसके एग्जाम्पल है डायपोज लार्वी के जैसे सिल्क वर्म है आ, लार्वी ऑफ पिंक पिंक बॉल वर्म और क्यूसेंस की एग्जाम्पल है प्यूपा ऑफ हेलीकॉवेर पर्मी जेरा तो ये एक बहुत ही संक्षेप में आज का अपना व्याख्यान डाईपोष और एक बार अंत में हमारे कॉलेज की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू हैव ए गुड हैव ए ग्रेट डे थैंक यू वेरी मच